राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बसंत बिहार स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 वार्डों की क्रिकेट टीम ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय रखी गई थी, जिसका समापन रविवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, कांग्रेस नेता राखी गौतम रही। फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पहला स्थान वार्ड नंबर 62 गणेश तालाब की टीम ने मैच जीता। दूसरा स्थान वार्ड नंबर 48 दादाबाड़ी की टीम विजेता रही। सभी टीम को मुख्य अतिथि द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी का 150वीं जयंती का वर्ष मनाया जा रहा है, रविन्द्र त्यागी आ जाए, इसको लेके युवाओं के बाद समस्त खिलाड़ियों को महात्मा गांधी की नीतियों के बारे में बताना, पुरस्कार वितरण किया जाएगा। बताने के हिसाब से वार्ड वाइज ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें हमारे 8 वार्डों की अलग अलग टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस के और यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। गांधी जी के बारे में उनको बताया गया, सबको मिलजुल कर रहने का उनको एक पाठ पढ़ाया गया, और सब ने बहुत ही साथ मिलकर मैच खेला, और आज इस आयोजन का समापन समारोह है।